स्टार्ट। नमस्कार, हम इस कोरोना के युग में जहां सब लोग डरे हुए हैं कोरोना को लेकर और 21 दिन के लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं, तो कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, आपका एक्सरसाइज शेड्यूल कैसा होना चाहिए और आपका माइंड जो है किस तरह से होना चाहिए, तो क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो एक्सरसाइज घर में करें। योगा आप कर सकते हैं, आप म्यूजिक लगाकर डांस कर सकते हैं। आप जो है घर के अपने लिविंग रूम में या आपके अगर घर के बाहर बालकनी है या थोड़ा सा जगह है तो आप उसी में जो है 40 मिनट या 1 घंटे का वॉक कर सकते हैं। छोटे स्टेप्स होंगे पर वॉक की वही उसका जो है इम्पोर्टेंस रहेगी जो आपकी अगर पार्क में जाकर आप वॉक करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज डाइट, तो घर में बैठे बैठे आप मोटे नहीं हो जाइएगा, क्योंकि खाना पीना आपको उसी तरह से बैलेंस्ड खाना है। तो आप अपना पानी का हाइड्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है पानी पूरा पीजिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, कम से कम 3 लीटर पानी। जिन लोगों को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हेल्दी लोगों की बात कर रहे हैं मैं यहाँ पर, जो है बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ कि जिन लोगों को हार्ट डिजीज या कुछ है जिनको रेस्ट्रिक्शन है कि पानी कम पीना है या किडनी के पेशेंट है, पर जो नॉर्मल हेल्दी लोग हैं तो 2.5 से 3 लीटर पानी अपना रोज का पिए। अपने खाने पीने में फल सब्जियों का उपयोग करें, जो भी चीज अवेलेबल है। फल सब्जियों का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके घर के आसपास फल और सब्जियां नहीं आ रहे हैं तो आप उसी को इम्पोर्टेंस दें। बैलेंस डाइट मतलब जो भी चीज आपके घर में अवेलेबल है, तो आप में ज्यादा ऑयली चीजें नहीं कि सारा दिन बनाकर पकौड़ियां नहीं खाइए, सारा दिन बनाकर समोसे नहीं खाइए, और अपना हेल्दी नॉर्मल हिंदुस्तानी भोजन जो भी आप करते हैं आप उसको अपनाइए। और इम्पोर्टेंट है कि माइंड को कैसे स्वस्थ रखें। तो अभी आप जो हम देख रहे हैं कि इस समय में बहुत सारा ओवर इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, आप खाली भी हैं आजकल, तो ये पहले भी यही प्रॉब्लम था कि लोग व्हाट्सएप फेसबुक और इस पर बहुत ज्यादा, अभी तो सिर्फ कोरोना इन्फॉर्मेशन है, उसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर आपने अपने माइंड को स्वस्थ रखना है तो प्लीज मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा व्हाट्सएप को अपने कोरोना इन्फॉर्मेशन को मत देखिए, इधर उधर की अफवाहों पर मत विश्वास कीजिए। अगर आपको डेली आप जो है 5 मिनट जो है अपनी अगर कोरोना अपडेट देखना चाहते हैं तो MOHFW मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की साइट पर जाइए, वहीं पर आपको सबसे सही अपडेट्स मिलते हैं, उन्हीं को देखिए। इधर उधर के वीडियोज और जो है किसी भी तरह के जो फॉरवर्ड हैं उनको नहीं देखिए और ना ही उनको आगे बढ़ाइए। सो प्लीज इस तरह से आप जो है हमारे एनवायरनमेंट को नहीं, तो कल कहीं ऐसा ना हो कि जो है सब ये एक डिफरेंट तरह की एपिडेमी आ जाए कि सभी लोग जो है ये जो है, अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं तो कल को हम मोबाइल डिस्टेंसिंग और जो है इंटरनेट डिस्टेंसिंग की बात करने लगे, तो उस चीज से बचिए। मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है, आप समय भी है तो इस समय को उपयोग में लाइए, प्राणायाम मेडिटेशन और योगा उसको अपनाइए। 5 मिनट अगर आप अपने मन को अपनी सांसों पर ध्यान रखते हैं तो हम जो है काफी हद तक जो है और तरह के मेंटल बीमारियों से बच सकते हैं। मेरा मानना है कि कोरोना से हम जरूर जीत जाएंगे, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग मेंटल डिजीज से जो ऑलरेडी पहले ही इतना घर कर चुके हैं उनसे ग्रसित हो जाए। सो प्लीज इसका ध्यान रखें और अपनी सेहत का ध्यान रखें।